वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आस्था नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पाठ 4 से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है प्रेरणा के स्रोत। आइए अब हम आगे पुस्तक से संबंधित प्रश्नों को देखें। इस पाठ में दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए सर्वप्रथम हम एक पद वाले प्रश्नों के उत्तर देखें। पाठ 4, प्रेरणा के स्रोत, ये आपके एक पद वाले प्रश्न उत्तर हैं। आपका पहला प्रश्न है, पहले भारत का इतिहास कौन सी भाषा में पढ़ाया जाता था? पहले भारत का इतिहास अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाता था। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत का इतिहास अंग्रेजी की यह पुस्तक किसने लिखी थी? भारत का इतिहास अंग्रेजी की यह पुस्तक आओ स्कूल्स ई मार्डन्स ने लिखी थी। भारत का इतिहास पुस्तक कितने मूल्य की थी? भारत का इतिहास पुस्तक 12 मूल्य की थी। आपका अगला प्रश्न है, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे किसने कहा है? सत्य कहूँ कागद कोरे तुलसी ने कहा है। आपका अंतिम प्रश्न है, सन 1908 में लेखक ने बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर लिखा। आइए अब हम आपके पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्नों को देखें। आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, पाठ 4, प्रेरणा के स्रोत। पहला प्रश्न है, सन 1902 में लेखक ने भारत का इतिहास पुस्तक में क्या पढ़ा? सन 1902 में लेखक ने भारत की इतिहास पुस्तक में पढ़ा कि हिंदुस्तान गर्म देश है, गर्मी के कारण यहाँ के निवासी निर्बल हो गए हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत का इतिहास पुस्तक पढ़कर लेखक ने क्या सोचा? भारत का इतिहास पुस्तक पढ़कर लेखक ने सोचा कि क्या हमारा देश सदा अंग्रेजों की गुलामी में रहेगा। आपका तीसरा प्रश्न है, पुस्तक फाड़ने पर अभिभावक ने लेखक को क्या समझाया? पुस्तक फाड़ने पर अभिभावक ने लेखक को समझाया कि इस पुस्तक का लेखक अंग्रेज है, पुस्तकों में झूठी बातें भी छापी जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, लेखक ने मोहम्मद गजनी का प्रसंग कब और कहां पढ़ा? लेखक ने महमूद गजनवी का प्रसंग सन 1905 ईस्वी में झांसी के विपिन बिहार इंटर कॉलेज में पढ़ा। आपका अगला प्रश्न है, पुस्तक के महमूद गजनवी के विषय में क्या लिखा था? महमूद गजनवी के 3000 घोड़ सवारों को धक्काड़ ने पलक मारते ही अपनी तलवारों से एक ही वार में मैं घोड़ों के चीर डाला था, ऐसा पुस्तक में गजनी के विषय में लिखा था। आपका अंतिम प्रश्न है, इस पुस्तक के अनुसार लेखक ने क्या संकल्प किया? लेखक ने स्कॉट के सिद्धांत पर चलने का संकल्प किया। यह आपके पाठ 4 से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। अब आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।